हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर से आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ, कार्यपालक सहायक से आई लेटेस्ट अपडेट के बारे में, चाहे वह बेल्टान से रिलेटेड हो, चाहे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से रिलेटेड हो, चाहे डाटा ऑपरेटर के बहाली से रिलेटेड हो, सारी डिस्कस करेंगे। अब तक क्या अपडेट है लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सभी अभ्यर्थियों का एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपका अपना चहेता चैनल, हर सूचनाओं को रूबरू पल पल की खबर देने वाला आपका अपना साथी, आपका अपना मित्र, आपका अपना चैनल, हर जगह सब जगह पहुंचाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से नए जोश और जुनून के साथ आइए कुछ जानते हैं नए अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता। जी हाँ दोस्तों, हौसलों से उड़ान होता, मंजिल उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होता और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जोश सा जगाना पड़ता है, पूछ चिड़िया से कैसे मिली मंजिल, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कोशिश किए नया पार नहीं होती। तो बहुत सारे मोटिवेशन है, और इन्हीं सारे मोटिवेशनों के साथ एक बार फिर से लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके नए जोश और जुनून के साथ आगे की कार्रवाई को शुरू करता है। तो चलिए जानते हैं क्या लेटेस्ट अपडेट है। आज की लेटेस्ट अपडेट है, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब तक हुए प्रोसेस में आपको बता दें, सबसे पहले तो बेल्ट्रान में अपडेट क्या है, बेल्ट्रान के अपडेट को बारे में बता रहे हैं। बेल्ट्रान अभ्यर्थियों के लिए कि 7311 जो है पास आउट कैंडिडेट थे 2019 और 2022 आ गया, मतलब 3 साल बिफोर, जिसमें से अप्रॉक्स 3,500 से 4,000 के बीच में जो है बहालियां हुई हैं। तो इसमें से अप्रॉक्स अगर 4,000 की बहाली हुई है तो 3,311, अगर 3,500 हुई है तो वहीं 3,811। इसी के रिगार्डिंग जो है कैंडिडेट रिमेनिंग है, इस 7,311 में लगभग 3,500 से 4,000 के बीच में कैंडिडेट हैं जिनकी बहाली अभी नहीं हुई है। तो ये अभ्यर्थियों के लिए यही सोचना है कि जो भी समय समय पर रिक्वायरमेंट आती है गवर्नमेंट के द्वारा एजेंसी के पास, तो इनकी बहाली कर रही है, और इसमें डिले होने का कारण मात्र एक यही है कि जब तक रिक्वायरमेंट नहीं जाएगी, एज ए मान के चलिए आप ठेकेदार हैं और आपका काम है नियुक्ति करना, आपको योग्य नियुक्ति करना पारदर्शिता के साथ, तो आप योग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट रखे हुए हैं, और जब तक पास आपके पास कोई लिस्ट नहीं जाएगा, आपको उससे बहाली मांगी नहीं जाएगी, तब तक आप बहाली कैसे कर सकते हैं। तो यही समझिए केस खेला जो है बेल्ट्रान के पास है। योग्य अभ्यर्थी हैं लेकिन जब उनके पास जब रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो कैसे बहाली करें। रिक्वायरमेंट जाती है जो कि कम मात्रा में होती है, आपको ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं जाती, जाती है कहीं 10, 15, 20, 50, जो कि आपको देखने में नगण्य लगता होगा अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में। इसलिए ये सारे प्रोसेस हैं डिले होने का, आपको कारण ही बता दिए। तो बहाली इसमें हो रही है, अब जहाँ 3 से 4 बच्चे हैं उसमें कभी 50 बहाली हुआ, कभी 60 बहाली हो गया, कभी 10 बहाली हुआ, तो ये आपको बहाली तो हो रही है, तो आपको लार्ज नंबर में नहीं हो रही है, ठीक है, ये डिले होने का कारण है। अब जहाँ ये 50 घटेगा, किसी भी 4,000 में अगर है तो इसमें 50 घटेगा तो क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत कम फ्यू मात्रा में आपको दिखाई देगा। लेकिन अभी 4,000 में एक ही बार 500 बहाली कर लिया जाए तो कितना कम हो गया, यही बात है। ये रही बेल्ट्रान के अभ्यर्थियों की, और हाल ही में बेल्ट्रान के अभ्यर्थियों के द्वारा जन आंदोलन महाआंदोलन भी किया गया था, सभी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना में आपने देखा किस तरह अपने ज्वाइनिंग के मांग को लेकर पहुँचे हुए थे अभ्यर्थी, इस तरह यह भी अपनी सारी प्रक्रियाओं को कर रहे हैं दिन रात। एजेंसियां भी अपने तरह से पूरी कोशिश करती हैं
कि वह जो है जिन अभ्यर्थियों को रखी हुई है उनकी बहाली कर दी जाए, तो उनका भी प्रयासरत रहता है। तो ये सारी अब बेल्टान से अपडेट रही। और ऐसा नहीं बेल्टान जो है बैठा हुआ है, बेल्टान के द्वारा हो रही है प्रोसेस। लेकिन यही है जो हमने आपको बताया 50-10-20 इस रेशियो में इस तरह, तो यही है आपका भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं है नहीं होगा, आपका 100% होगा सिलेक्शन। जो भी हैं ये 100% सिलेक्शन होगा, ये गारंटी लग सरकारी नौकरी 100% आपको सिक्योर कर रहा है। क्योंकि जो भी बातें हैं आपको सही इंफॉर्मेशन दी जाती है, 100% ऑथेंटिक। तो ये सारी अपडेट रही बिल्टन से। अब जो कार्यपालक सहायक अभ्यर्थी है उनके लिए विभिन्न ज़िलों में जो पैनल बने हुए हैं पूरे 38 ज़िलों, जब हम एक ही बार कहते हैं 38 पूरा बिहार पूरा ज़िला, तो समझिए 38 ज़िलों जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आए दिन रात अपनी मांगों को लेकर कहाँ कहाँ नहीं भटक रहे हैं दर दर, लेकिन उनका कोई खास परिणाम नहीं दिखने को मिल रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ी जो है खुशखबरी मिली, मुजफ्फरपुर ज़िला में कोर्ट से जो है ऑर्डर आया है कि जितने भी रिक्त सीटें हैं आरक्षणवार कार्यपालक सहायकों के वह भेजी जाए और पैनल जो है उसमें बहाली से हो, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा जीत हुई है कार्यपालक सहायकों की। तो एक नई आस नई उमंग फिर से आ गई है सभी जो है छात्र छात्राओं में, और इसी के साथ पूरे बिहार में एक बार फिर से जो है जोश और जुनून की लहर दौड़ चुकी है। और सभी अभ्यर्थी आपने देखा बीते कुछ दिनों से एक मीटिंग कर रहे हैं, प्रयासरत हैं आने वाले दिनों में भी एक जन आंदोलन महाआंदोलन करने वाले हैं। जैसा कि प्राप्त सूचना के अनुसार 17 फरवरी को एक जन आंदोलन महाआंदोलन करने वाले हैं एक बार फिर से अनियोजित कार्यपालक सहायक अपने ज्वाइनिंग को लेकर। तो कारण यह है कि चाहे लाख कुछ भी हो जाए वो तीर जिंदा रख, मंजिल उन्हीं को मिलती जिसके सपनों में जान होती है, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो यदि आपके अंदर वो जोश और जुनून है, जज्बा है कुछ पाने की, तो निश्चित ही आप की मिशन प्राप्त कर सकते हैं, मंजिल को पा सकते हैं, यदि आपके अंदर वह जोश और जुनून है। कारण कि कार्यपालक सहायक जो है उनका एक अलग ही जज्बा होता है, जोश और जुनून होता है। क्योंकि यह देखा गया है पूर्व में कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगा दी थी उस समय कि अब बहाली नहीं होगी, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ उस समय कार्यपालक सहायकों के द्वारा जो कि एक नेतृत्व किया गया NN झा के द्वारा और उस जॉब्स को लिया गया सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, और उसके बाद ऐसा जो है अलॉट टाइम बार बार देखा गया कि जीत मिली कर पलक सहायकों की, मतलब ये वैलिड प्रोसेस थे तो इनकी जीत सुनिश्चित हुई। तो एक बार फिर से सभी अनियोजित कार्यपालक जो है अपनी मांगों को लेकर 17 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं जन आंदोलन महाआंदोलन। निश्चित ही जितने भी ज़िले हैं पैनल से, तो में भी इनकी प्रायोरिटी दी जा सकती है प्राथमिकता बहाली में। तो ऐसा जो है सभी ज़िलों में अभ्यर्थी कर रहे हैं, चाहे वह बेतिया हों, जी हाँ दोस्तों बेतिया वेस्ट चंपारण ज़िले के अभ्यर्थी हों अनियोजित, यहाँ भी अप्रोक्स 400 से 500 लगभग अनियोजित कार्यपालक सहायक जो अपनी मांगों को लेकर बीते दिनों जन आंदोलन महाआंदोलन किए थे और अपने सभी बिहार के जो अभ्यर्थी उनके साथ कर रहे हैं बैठक। और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर ज़िला में, मोतिहारी ज़िला में, खगड़िया, दरभंगा, गोपालगंज, अररिया, जमुई, पटना, वैशाली, दरभंगा, रोहतास, कैमूर, जमुई, नवादा, अप्रॉक्स पूरे 38 ज़िलों के अभ्यर्थी जो है अनियोजित, बक्सर, सभी कार्यपालक सहायक अपनी मांगों को लेकर जो है प्रयासरत हैं और एक नेतृत्व कर रहे हैं, एक
संगठन के साथ अपने आगामी योजनाओं को सफल बनाने के लिए। तो ये सारी अपडेट है अब तक अनियोजित कर पलक साहब से और बेल्ट्रान से। तो अब क्या अपडेट आई है, चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या नई अपडेट है। यस, तो जैसा कि आज ही के पेपर में ये अपडेट आई है और देख सकते हैं, सूबे की पंचायतों में बहाल होंगे 8067 कार्यपालक सहायक। एक बहुत बड़ी खुशखबरी कि 8067 कार्यपालक सहायक जो है बहाल होंगे। अब इस वैकेंसी को कौन लेंगे, किनके द्वारा बहाली हो जाएगी, ये तो डिपेंड करता है अभ्यर्थियों के मांग पे। अभ्यर्थियों के 8067 जो बहाली किस पर होती है, ये अभ्यर्थियों के मांग पर प्रेशर पे कि अभ्यर्थियों की क्या जो है मांग है। जैसा कि पूर्व में एक एक बहाली की गई थी सभी पंचायतों में, और अब फिर से एक एक यानी हर पंचायत में दो दो कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव जो है पास कर दिया गया है। और एक अच्छी खुशखबरी कार्यपालक सहायक के लिए, क्योंकि पोस्ट कार्यपालक सहायक का है, प्रायोरिटी कार्यपालक सहायक की बनती है। यदि इस बार कार्यपालक सहायक अपनी मांगों में सफल रहते हैं तो निश्चित ही यह उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अवसर हो सकती है। और जैसा कि हाई कोर्ट में भी जीत हुआ है, इसके साथ ही बिहार के विभिन्न जिलों में जो पूर्व के पैनल हैं 18, 19, 20, 21, 22 जो कि पूर्व के पैनल हैं वेटिंग में हैं, उनसे में भी बहाली हो सकती है। यह डिपेंड करता है छात्रों के जो है मांग पे। छात्र कितने हैं जो है इस पर डिपेंडेंट है, निर्भर हैं अपने जो है जॉब्स के प्रति, कितनी आसान्वित हैं, कितने निरंतर प्रयास कर रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट के पास जो है खबर जा रही है, पहुंच रही है। सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक जो है अपने डीएम से अधियाचना करते हैं, मुख्यमंत्री के पास जाकर आवेदन देते हैं, बीपीएसएम के पास आवेदन देते हैं, सचिव के पास, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं यदि ऐसा करते हैं तो। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की ऐसा कर दिया गया है। अब चलिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या कुछ अपडेट दी है, देख सकते हैं। राज्य के लोगों को अपनी पंचायतों में ही जाति आवास और आचरण पात्र मिल जाए पंचायती राज, शीघ्र ही ग्रामीणों को लोक सेवा केंद्र के जरिए पंचायतों में ही सुविधा मुहैया कराएगा। इन प्रमाण पत्रों के लिए गांव के किसी भी आदमी को प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब सारी सुविधाएँ घरे मिलेगा, गाँव में मिलेगा, शहर नहीं आना पड़ेगा। इसको लेकर फिलहाल 7800 कार्यपालक सहायक जो है कार्यरत हैं और शीघ्र ही जो है देख सकते हैं, शीघ्र ही 8067 पंचायतों में के कार्यपालक सहायक बहाल किए जाएंगे। शनिवार को पंचायत राज मंत्री, वर्तमान में पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी हैं, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एक पंचायतों में और कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति 8067 की जाएगी। बतौर मंत्री अपने कार्यपाल एक साल पूरा होने पर उन्होंने भाजपा कार्यालय में मीडिया के सामने अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश की और जल्द ही 8067 कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति घोषणा की। जहां ये कार्यपालक सहायक की बात आए तो समझ लीजिए कहा कि तो कार्यपालक सहायक जैसे ही ये लिखा गया है देख सकते हैं कि नियुक्ति की घोषणा कर दी है जो है सम्राट चौधरी। तो पोस्ट तो ये कार्यपालक सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के ही रिगार्डिंग पूर्व में ही बहाली हुई थी, लेकिन बाद में आपको इसको DU और कार्यपालक सहायक दोनों ऑब्लिक करके कर दिया गया, मतलब इसको किसी तरह
देखिए, जो भी बहालियाँ होती हैं तो सभी के लिए अलग अलग प्रेफरेंस रहता है। जैसे कि पूर्व में जो भी बहालियाँ हो रही थी DEO बेल्टान के थ्रू, तो वो DEO की हो रही थी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की। और कार्यपालक सहायक की बहाली जिला स्तरीय पैनल से हो रही थी, DM के द्वारा जो टाइपिंग और रिटन एग्जाम लेकर हो रही थी। तो पोस्ट अगर कार्यपालक सहायक का निकाला गया है 8067 और लिखा गया है कार्यपालक सहायक, प्रायोरिटी तो कार्यपालक सहायक की बनती है जो कि जिला स्तरीय पैनल से जो DM के द्वारा बनी हुई है सभी। लेकिन गवर्नमेंट ने उसी समय निकाल दिया है कि बहाली नहीं होगी और ये सारी पॉलिसी है रिगार्डिंग है बेल्ट्रान से होगी, DEO या कार्यपालक सहायक ऑब्लिक कर दिया है। लेकिन अगर छात्र अपने मांगों पर अड़े हुए हैं और लगातार प्रयास है, अनवरत जारी है, निश्चित ही उनके लिए भी कुछ गवर्नमेंट सोचेगी, उनके लिए भी कुछ करेगी। यह डिपेंड करता है छात्रों की उनकी मांग पे, उनके जोर पे कितना वह सफल होते हैं। चलिए दिखाते हैं क्या कुछ गवर्नमेंट ने घोषणा की है। बेल्टान को दी जाएगी जिम्मेदारी, शीघ्र शुरू होगी चयन प्रक्रिया। तो एक तरह से कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक है, लेकिन सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं जब ये नंबर ऑफ कैंडिडेट कार्यपालक सहायकों की जब अपनी मांगों को लेकर अगर कुछ रुख करते हैं, सरकार से याचना करते हैं, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब बेल्ट्रान के अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात ये है कि उनकी बहाली प्रक्रियाओं में तेज़ी आएगी। 7311 में जो 3800 से 4000 कैंडिडेट बचे हुए हैं उनके लिए खुशी है कि इनकी बहाली में और तेज़ी आएगी, क्योंकि अन्य कोई पैनल है नहीं बेल्ट्रान के पास, यही जो है पैनल है 3500 और 4000 की, तो यही पैनल से बहाली होगी। तो मेन मुद्दा ये है कि कहीं इनसे जो है बहाली देखने को मिले। अप्रैल से और पंचायत में बैठेंगे 18 विभाग के लोग। अब अप्रैल से भी निकाल दिया है कि, तो अभी फरवरी चल रहा है और ज़्यादा समय है नहीं, मार्च अप्रैल 2-3 महीना है, तो मैं भी बहाली प्रायोरिटी बेल्ट्रान को मिल सकती है। अब जो भी है ये सारी अभी अपडेट बनी हुई है, चाहे बेल्ट्रान से रिलेटेड हो कार्यपालक सहायक, हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं ऑथेंटिक देते हैं 100% सेटिस्फेक्शन के साथ, चाहे वो किसी भी कोई भी अभ्यर्थी हो, ऐसा नहीं, हमारे लिए सभी समान हैं, बेल्ट्रान अभ्यर्थी हो कार्यपालक सहायक सभी की ज्वाइनिंग हो। हमारी कोशिश रहती है कि आप सभी जिस उद्देश्य से जुड़े हैं, जिस वह उद्देश्य पूर्ति हो आप, निश्चित ही आपको मिलेगी सरकारी नौकरी। यदि आप डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, अनवरत जारी हैं, प्रयासरत हैं अंतिम समय तक, क्योंकि यही वह समय होता है जब अभ्यर्थी या तो टूट जाते हैं, कुछ झुक जाते हैं, कुछ रुक जाते हैं, कुछ जुट जाते हैं, कुछ इतिहास बना देते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ ठहर जाते हैं, कुछ खड़े रहते हैं उस मंजिल को पाने के लिए। अब देखना है उस मंजिल को पाने के लिए कितने अभ्यर्थी उत्सुक हैं, चाहे बेल्ट्रान के अभ्यर्थी, कार्यपालक सहायक के अभ्यर्थी, क्योंकि बहाली तो होनी है, ये फैक्ट है। और बेल्ट्रान के भी होगी 100% होगी बहाली, ये भी फिक्स है, क्योंकि 100% बहाली हो जाएगी, इसमें कोई दोहराए नहीं। 3000 से 4000 जो बच्चे हैं, अगर ये भी अगर हो जाते हैं तब भी तो 8067 में अगर बहाली कर दिया जाए, फैक्ट सोचिए, 8067 में अगर 4000 बहाली कर दिया जाए तभी तो 4000 सीटें रहेंगी। आखिर ये सीटें होंगी क्या? तभी कार्यपालक सहायकों के लिए तो सीटें हैं, तो सभी के लिए सीटें हैं, चाहे वह कार्यपालक सहायक हो, अनियोजित या बेल्ट्रान, हर किसी के लिए अवेलेबल सीटें हैं। ज़रूरी है इसको आपको मंजिल को पाने के लिए प्रयासरत अपने मांगों को लेकर
जो है अध्याचना करने की और निश्चित से सकारात्मक परिणाम देखने को भी मिलेंगे। यदि आप इस समय जो है अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हों, अपने लक्ष्य के प्रति सुनियोजित हों, डटे रहें, तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। अनियोजित कर पलक सहाय के लिए भी, बैठान के लिए, सभी के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कर पालक सहायक पंचायतों में। तो यही सारी अपडेट है। और क्या अपडेट है चलिए बता रहे हैं क्या कुछ अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से वही जोश और जुनून के साथ, ये देखिए अनियोजित कार्यपालक सहायक चोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, पटना चले। छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों ही द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर आए हैं नई अपडेट। छात्रों के विशेष अनुरोध पे छात्रों द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पे, ये जो भी सूचनाएं दी जाती है छात्रों के द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर, छात्रों ही द्वारा उपलब्ध सूचना का आधार, तो देख सकते हैं अनियोजित कर पलक सहायक बिहार अनिश्चितकालीन महाआंदोलन, एक बार फिर से अनिश्चितकालीन महाआंदोलन करने जा रहे हैं सही बिहार के अनियोजित कर पलक सहायक। इसमें उनकी मुख्य मांगे हैं, देख सकते हैं शासी परिषद की अंतरराष्ट्रीय बैठक में कार्यवाली बिंदु 8 को वापस लिया जाए, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि बहाली जो है अब बेल्ट्रान से की जाएगी, इन फ्यूचर वही सारी मांगे हैं। मूल विज्ञापन में किसी तरह के बदलाव नहीं किया गया, पूर्व के जो बहाली हो रही थी डीएम स्तरीय पैनल से वह वापस उसी तरह रहे जैसा कि किया जा रहा था। पंचायती राज के पत्रांग विभाग 8 को लागू किए जाएंगे और कोविड-19 महामारी के कारण रुके हुए बहाली प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए पैनल की वैधता को बढ़ाना किया जाए, जो 3 साल थी वो बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, और बीपीएसएम के सामान्य प्रशासन द्वारा हमारा नियोजन जल्द किया जाए। मतलब सारी आपकी मांगों को लेकर एक बार फिर से जन आंदोलन महाआंदोलन कर रहे हैं। और देख सकते हैं ये 17 फरवरी 8:30 बजे बीपीएसएम पटना, हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भी मांगते। कार्यपालक सहायक एक ही पैनल से आधे का नियोजन तो आधे का शोषण क्यों, 8:30 बजे देख सकते हैं और 17 फरवरी को रखे हैं बीपीएसएम पटना। तो आप अपना अपने अपने जिलों के जो भी पैनल्स हैं, जो भी अध्यक्ष महानुभाव हैं, उनसे संपर्क कर पूरे जो बिहार के जो भी अनियोजित कार्यपालक एकजुट होकर अनियोजित का संघ है आपका, आप अपना उससे संपर्क करके आप अपने जो है इसमें भागीदारी सुनिश्चित करेंगे 17 फरवरी को 8:30 बजे बीपीएसएम पटना में मांगों को लेकर। छात्रों के जो है उपलब्ध सूचना के आधार पे छात्रों के द्वारा उपलब्ध पहले